सर मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि आपके लिहाज से सूर्य कुमार यादव का स्ट्राइक रेट कितना होगा? उसका 150 प्लस है, जो अभी तक पहला ही है दुनिया में। आपके लिहाज रिजवान का होगा, वो पूरा बेस्ट जा रहा है। सूर्य कुमार यादव पहले आता है, कितना हो सकता है उनका स्ट्राइक रेट? ये तो अभी मैंने कभी देखा ही नहीं है, बाकी उनकी परफॉर्मेंस मुझे अच्छी लगती है। उसके कुमार यादव अगर 150 से प्लस गया है तो ये रीज़न नहीं है कि वो होलैंड पोलैंड के खिलाफ अच्छा चला, नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी है, अफ्रीका के खिलाफ भी काफ़ी, मतलब के 175 प्लस का स्ट्राइक रेट है। बहुत है ये तो, बहुत है, मतलब कि इतना स्ट्राइक रेट कैसे? डेंजरस खिलाड़ी है काफ़ी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल क्रिकेट स्पोर्ट में स्वागत है। दोस्तों सूर्य कुमार का 76.5 स्ट्राइक रेट देख पाकिस्तानी मीडिया हक्का बक्का रह गए। पाकिस्तानी लोग बहुत डर रहे हैं कि आने वाले 23 तारीख वर्ल्ड कप में अगर सूर्य कुमार 8 ओवर तक चल गया तो पाकिस्तान का अंत आना निश्चित है। दोस्तों सूर्य कुमार से क्यों इतना डरता है पाकिस्तान, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। अगर दोस्तों आप भी सूर्य कुमार को फैन है, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। चलो दोस्तों पाकिस्तानी मीडिया इस बारे में क्या कहते हैं जानते हैं। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आ गए तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि स्पोर्ट्स संबंधी ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके साथ लाते रहेंगे। चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अभी मजा आएगा ना वीडियो। और अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से सूर्य कुमार यादव एक नंबर वन T20 बैट्समैन है। उसके अलावा अगर सेकेंड नंबर पर देखा जाए तो रिजवान आता है। आपने सही बात की है, फिलहाल सूर्य कुमार यादव का 176.4 स्ट्राइक रेट जा रहा है, जो जिसके आसपास भी कोई दुनिया का प्लेयर नहीं नजर आ रहा। नज़र तो आ रहा है हमारा, ओवरऑल अगर देखा जाए तो पाकिस्तान का एक पूरा रोल मॉडल है। दो बैट्समैन हमारे पास हैं, बाबर आजम जो एक टफ टाइम देंगे। सर बाबर आजम का 140 है और रिजवान का 148 है। लेकिन सूर्य कुमार यादव इसमें ज़्यादा है अगर देखा जाए तो। ये कैसे उसने खुद को इतना अग्रेसिव किया है, हर बॉल पर हिट करना? देखे ना, हम हमेशा से ही हिटर पैदा करते रहे हैं, फास्ट बॉलर तो आगे हिटर क्यों नहीं आ रहा हमारे पास? सूर्य कुमार यादव का ये था कि जितना मैंने क्रिकेट में उससे देखा है, उसने एक तो आईपीएल में भी काफ़ी अच्छा है और दूसरा इंडिया में उसे दूसरा एबी डिविलियर कहा जाता है। पाकिस्तान में हमारे जो बैट्समैन हैं वो सिर्फ एक ही राउंड सर्कल में मारते हैं, एक ही स्ट्रेट मारते हैं या लेग साइड हो गया, लेकिन वो प्लेयर जो है वो ऑल ओवर ग्राउंड मारता है शॉट्स। दैट्स व्हाई अगर पॉइंट आउट देखा जाए तो उसका काफ़ी अच्छा है। ओह माय गॉड, वाओ, 158 159, इतना ज़्यादा स्ट्राइक रेट, क्योंकि वो अच्छा परफॉर्म करता है। नज़र में कितना स्ट्राइक रेट है उसका? उसका 100 प्लस होगा। थोड़ा तुक्का शुक्का लगाए ना, एग्जैक्ट वाली अमाउंट बताएं। 113 112। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे अलकट हंस। बाबर आजम का कितना? बाबर आजम का T20 में, T20 में होगा कोई 150। अरे भाई सूर्य कुमार यादव अगर T20 क्रिकेट में बात करें ना तो उसका स्ट्राइक रेट है 175 प्लस। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, जो आप 130 कह रहे थे सर, इतना कम आपने बता दिया। वो दूसरे नंबर पे है। दूसरे नंबर पे है तो आपने स्ट्राइक रेट इतना कम कैसे बता दिया? मुझे अंदाजा नहीं था उसका इतना ज्यादा होगा। आपने भी बड़ा कम बताया सर, कैसे मतलब? बस ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। तक उसने जितने भी मैचों में ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है वो बड़ी टीमों में दी है। मतलब कि जैसे आप ये कह लें कि विराट कोहली है, वो अक्सर बड़ी टीमों के खिलाफ अक्सर चल जाता है। उसके अलावा इंडिया के और भी काफी अच्छे ऐसे प्लेयर हैं जो बड़े मैच में ज्यादा अच्छे प्रेशर में ज्यादा अच्छा खेलते हैं। और कुमार यादव अगर 150 से प्लस गया है तो ये रीजन नहीं है कि वो होलैंड पोलैंड के खिलाफ अच्छा चला, नहीं, उसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी अच्छी कारकर्दगी है, अफ्रीका के खिलाफ भी काफी, मतलब के, और मतलब कि उसकी जो पिछली सारी बैकग्राउंड देख के मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ बहुत अच्छा खेलेगा। पाकिस्तान को चाहिए कि उसके खिलाफ कोई अच्छी हिकमत अमली इख्तियार करनी चाहिए अगर पाकिस्तान चाहता है कि मैच जीते, वरना वो ऐसा प्लेयर है कि वो वन मैन आर्मी है। क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है, अरे सर क्या बात है। 150 160, इतना ज्यादा स्ट्राइक रेट? ओ है, खेलता नंबर 2 का ज्यादा स्ट्राइक रेट 150 से 160 आप बता रहे हो सर? सर है, सूर्य कुमार यादव अगर स्ट्राइक रेट की बात की जाए 175 प्लस का स्ट्राइक रेट है। बहुत है ये तो, बहुत है, मतलब कि इतना स्ट्राइक रेट कैसे? डेंजरस खिलाड़ी है काफी। 175 प्लस सर, 75 प्लस वाला स्ट्राइक रेट वाला लड़का पाकिस्तान के खिलाफ 8 ओवर खेल गया तो क्या होगा? हार गए फिर तो गारंटी, लेकिन टफ हो जाएगा फिर पाकिस्तान के लिए काफी। हमारी टीम में से कौन है जो 175 के स्ट्राइक रेट से खेलेगा? इंशाल्लाह इफ्तिखार खेलेगा, इफ्तिखार खेलेगा। ये हंसे क्यों? उसकी मेरे ख्याल से उम्र गुजर गई है। क्या बात है, मर्डर कर दिया तुमने।